जब फैट लॉस की बात होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कौन सा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ कि देखो, जब फैट लॉस या वेट लॉस करना है, सबसे पहले आपकी डाइट, न्यूट्रिशन और आपके वर्कआउट्स इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स एंड में आते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में या प्लान में इंक्लूड करेंगे तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में, डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करने में और आपकी रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपका फैट लॉस प्रोसेस फास्ट हो सकता है। तो इसलिए आज सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट द ओनली सप्लीमेंट्स दैट यू नीड फॉर फैट लॉस और वेट लॉस। शुरू करते हैं। वन, कैफीन। कॉफ़ी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैफीन एक्चुअली कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं। कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपके जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है थोड़े टाइम के लिए, जिससे आपका जो थर्मोजेनेसिस है यानी कि फैट लॉस करने की एबिलिटी या फैट ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी वो बढ़ जाती है दिन के दौरान। तो मतलब अगर आप एक घंटे का वर्कआउट कर रहे थे बिना कैफीन के वर्सेज कैफीन के साथ एक घंटे का वर्कआउट करोगे तो आपको कैफीन के साथ जो वर्कआउट करोगे उसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने के चांसेस होते हैं, जिससे फैट लॉस ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन कैफीन को ओवर कंज्यूम भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को कैफीन यूज़ करने से जिटरी इफेक्ट्स होते हैं और सोने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि 100-200 mg ऑफ कैफीन से ज़्यादा ना यूज़ करें। अगर आप बिगिनर हो तो 100 mg कैफीन के साथ शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाना शुरू करें ताकि आपको इस तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो। ऑल्सो दोपहर को 3 बजे के बाद किसी भी तरह के कैफीन सप्लीमेंट्स या कॉफी को अवॉइड करें कंज्यूम करना, बिकॉज ये आपके नींद में डिस्टर्बेंस ला सकता है और आपको रिलैक्सेशन में हिंडर कर सकता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि जो भी आप कैफीन के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं वो 3 बजे से पहले पहले लें, ताकि आपकी रिकवरी भी अच्छी हो और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहे और फैट लॉस में हेल्प हो। अब लोग यूजली पूछते हैं कि क्या हमें कैफीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या हम कॉफी पी सकते हैं। देखो यार, जो कॉफी होती है अपने पैकेट्स में आती है, सैशेज में आती है या हमारे जो नॉर्मल डब्बे में आती है, उसमें हर डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट डिफरेंट कैफीन कंटेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल, ब्रांड ए के एक कप ऑफ कॉफ़ी में 80 mg कैफीन होगा, ब्रांड बी के एक कप ऑफ कॉफ़ी में शायद 50 mg कैफीन हो, तो वो वेरी करता रहता है। लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हो कैफीन के साथ, देन आई वुड रिकमेंड कि कोई कैफीन सप्लीमेंट्स लें जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैफीन आपको पता हो। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि हर 4 हफ्ते ऑफ रेगुलर यूज ऑफ कैफीन के बाद आप एटलीस्ट 2 वीक्स का ब्रेक जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी जो है रिकवर हो पाए और हैबिचुअल ना हो जाए उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के। 2, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फैट लॉस या वेट लॉस करते हुए एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ता है और अपने प्रोटीन्स और फैट्स के इंटेक को हाई करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि जब वो एकदम से अपने प्रोटीन्स और फैट्स के इंटेक को हाई करते हैं फैट लॉस करते हुए, उन्हें डाइजेशन इश्यूज होते हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एंजाइम बनाना पड़ता है जिसे हम प्रोटीएस कहते हैं। जब आप एकदम से प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो बॉडी थोड़ा टाइम लेती है कि अडाप्ट करके उतनी क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स बना सके। उस टाइम के दौरान अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो आप एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो आपके प्रोटीन की ब्रेकडाउन, फैट्स की ब्रेकडाउन और ओवरऑल जो भी खाना खाते हो उसकी ईजी डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब सप्लीमेंट ट्राई करने से पहले आप पाइनएप्पल और पपाया जैसे फ्रूट्स को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इनमें पपेन होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन और फूड पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा होते हैं जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, तो आप एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद। आई वुड रिकमेंड कि जो भी आपकी 2 सबसे बड़ी हैवी मील्स होंगी दिन की, उसके बाद आप डाइजेस्टिव एंजाइम का सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, जिससे आपके जो खाने के ब्रेकडाउन है उसमें हेल्प होगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके खाने में वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, एसिमिलेट होंगे अच्छे से, तो आपके जो रिकवरी है वो ज़्यादा बेटर होगी और आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं अपने फैट लॉस जर्नी में। नेक्स्ट इज प्रोटीन पाउडर। अब ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेचुरल फूड्स के थ्रू प्रोटीन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई भी रीज़न है, बिजी लाइफस्टाइल है, स्टूडेंट है, ट्रैवल करते हैं, 9 to 5 जॉब है, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है आपसे, या प्रोटीन फूड्स खाने से इंडाइजेशन होती है, तो आप एक प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। वीगन प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन आइसोलेट, कोई भी जो आपको सूट कर जाए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी प्रोटीन नीड्स ईजिली कम्प्लीट हो सकती है एक कन्वीनियंट फॉर्म के साथ। और अगर आप प्रोटीन या कोई और सप्लीमेंट्स लेने का सोच रहे हैं, देन यू आर लकी, बिकॉज माई प्रोटीन इज हैविंग अ ह्यूज सेल ऑन 14th and 15th of August, और जिस सेल का नाम है तरीके अनेक मकसद एक सेल।
आप कहीं पर भी रहते हो, किसी भी एज से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, हम सबका गोल एक है, फिट रहना, इंक्लूडिंग मी। एंड इस सेल में बहुत से ऐसी टेस्टी और हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फिटनेस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ट्राई देयर प्रोटीन ब्राउनी विदाउट एनी गिल्ट एंड देयर डेली मल्टी विटामिन, ताकि आप अपने डेली विटामिन और मिनरल्स के गोल्स को हिट कर सकें। और अगर आप प्रोटीन्स खरीदना चाहते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट देयर माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे, जिससे आप कन्वीनियंटली अपने प्रोटीन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सो 14th, 15th और 16th अगस्त को आपको फ्लैट 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड अप टू 60% डिस्काउंट मिल सकता है ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज माई कोड अवेयर टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नेक्स्ट इज EAA। अब BCAA के बारे में तो सबने सुना होगा शायद, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। EAA का मतलब होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब BCAA में सिर्फ 3 मेन अमीनो एसिड्स होते हैं, जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और विलीन। लेकिन EAA में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब EAA मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है BCAA से। क्यों? क्योंकि इसमें BCAA तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए, जिनके टोटल कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड आपकी रिकवरी ज़्यादा बेटर हो सकती है। मेनली ये उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जो एम्प्टी स्टमक इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज इन्हें कंज्यूम करने से आपके जो मसल लॉस होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब आप ज़्यादा मसल प्रिजर्व कर सकते हो फैट लॉस करते हुए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा और आप ज़्यादा फैट लॉस कर सकोगे कम टाइम के अंदर। सो अगर आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो या बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो वर्कआउट करते हुए या वर्कआउट करने से पहले एक सर्विंग ऑफ EAAs को कंज्यूम करेंगे तो आपको इसके सभी मसल रिकवरी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन। अब जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तो हम कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं, मतलब जितना हमें खाने की ज़रूरत है या हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है उससे हम कम खाते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होना शुरू हो सकती हैं। ऑल्सो अगर आप बिजी इंडिविजुअल हो जो अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर सकते बिकॉज आप 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स और 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स नहीं खा सकते हो, जो कि विटामिन और मिनरल नीड्स को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं, तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाए उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आई हैं। तो एक मल्टीविटामिन इज लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी होने को प्रिवेंट करता है। और ये मिनरल्स और विटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में मसल बिल्डिंग या फैट लॉस के अलावा, जैसे कि एंजाइमेटिकल रिएक्शंस, आपके हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनके लिए ये विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स पूरे नहीं होंगे तो वो डेफिशिएंसीज की वजह से वीकनेस हो सकती है, लेथार्जी, एनर्जी कम हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है और रिकवरी भी वीक हो सकती है। इसलिए एक मल्टीविटामिन ड्यूरिंग फैट लॉस कैन वर्क एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, बट मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन ले। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि डू यू नीड अ मल्टीविटामिन या हाउ टू चूज अ मल्टीविटामिन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लास्ट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स, या जिसे हम ये भी कहते हैं ओमेगा 3s। अब ओमेगा 3 जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन ये एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी को जरूरत है, इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से कंज्यूम करने की जरूरत है। यूजुअली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं तो ओमेगा 3s कंज्यूम कर सकते हैं आप फ्लैक्स सीड से, घी से, बटर से, या आप जो फैटी फिश होती है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है फिश ज़्यादा नहीं खाते, फ्लैक्स सीड्स भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, और वीगन सोर्सेज ऑफ जो ओमेगा 3s होते हैं उनमें ALA यानी कि अल्फा लिनोइक एसिड होता है, जो कि EPA और DHA में भरपूर नहीं होता है। लेकिन जो ओमेगा 3s हमें फिश के थ्रू मिलते हैं उसमें EPA और DHA जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्ट्रेसेस कम होते हैं, हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, बोन हेल्थ अच्छी रहती है, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और रिकवरी ज़्यादा बेटर होती है, वो फैटी फिश में प्रोवाइड होते हैं। इसलिए एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट जिसमें एक अच्छे फिश का ऑयल यूज़ किया गया है, लेट्स से मैकरल या सैल्मन का, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेसेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो भी आपके माइक्रो टीयर्स होते हैं वर्कआउट करते हुए उनकी रिकवरी जल्दी करने में हेल्प करता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक ओमेगा 3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप
ओमेगा थ्रीज को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं अपनी नेचुरल डाइट के थ्रू। मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया था कि हाउ टू चूज एन ओमेगा थ्री, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप अपने लिए बेस्ट ओमेगा थ्री चूज कर सकते हैं। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो जाता है कि कौन से सप्लीमेंट्स सही में जरूरी हैं और आप एक्स वाई जी सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं भागेंगे। अगेन रिमेंबर कि प्रोटीन पाउडर्स, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, दीज आर नेसेसरी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स और मल्टीविटामिन्स डेफिनेटली आप ले सकते हैं, ओमेगा 3 फिर से ऑप्शनल हो जाते हैं। इसके बाद कैफीन है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है इसकी नीड है, EAAs अगर आप एम्प्टी स्टमक करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर आपको डाइजेशन में इशू आते हैं। सो आई होप कि इससे क्लियर हो जाता है कि क्या सप्लीमेंट्स की जरूरत है आपको। बट अगेन रिमेंबर कि आपकी नेचुरल डाइट और जो वर्कआउट्स हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आपके फैट लॉस एंड वेट लॉस में। सप्लीमेंट्स आर जस्ट सप्लीमेंटरी टू दीज टू थिंग्स, इसलिए सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना पैसा बचाइए एंड फोकस ऑन नेचुरल डाइट एंड वर्कआउट। सो आई होप कि आपको नया कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। मुझे फॉलो करना मत भूलिए ऑन इंस्टाग्राम एंड यूजर नेम अभिनव महाजन, लाइक बहुत सारी लाइफ स्टाइल टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड फॉलो मी ऑन माई अनदर चैनल कॉल्ड बींग मैन, विच इज अ चैनल आई मेड फॉर मैन फॉर देयर बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल। So I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.